हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई मूवी द साइलेंसिंग। ये भी 16 जुलाई को ही रिलीज हुई है और ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक थ्रिलर है। तो इससे आप सिर्फ थ्रिल एक्सपेक्ट कर सकते हो, हॉरर नहीं। हॉरर मूवीज की प्लेलिस्ट इस चैनल पर भरी पड़ी है, उनमें आपको हर तरह का हॉरर मिल जाएगा। तो इस मूवी की स्टोरी के बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। और थ्रिलर्स ऐसे ही वर्क करती हैं। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं रेवन को, जो कि एक बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चलाता है। उस सेंचुरी में हंटर्स घुसपैठ करते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा पूरी निगरानी रखता है। उसने पूरी सेंचुरी में कैमरास लगा रखे हैं, जिनसे वो एक ही बार में सब जगह नजर रखता है। लेकिन वो हमेशा से एक एनिमल लवर नहीं था, पास में वो भी एक हंटर था, बल्कि वो उस टाउन का सबसे जाना माना हंटर था। लेकिन उसकी बेटी ग्वेन एक एनिमल लवर थी। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले वो गायब हो गई थी। पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ग्वेन का कोई पता नहीं चल पाया और आखिर में उन्होंने केस बंद कर दिया। तब से ही रेवन ने हंटिंग छोड़ दी और वो भी एनिमल लवर बन गया। ग्वेन को गायब हुए 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसे अभी भी यही उम्मीद है कि वो वापस आएगी। वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया, इसी वजह से वो एक अल्कोहलिक बन चुका है और इसी वजह से उसकी वाइफ डेबी भी उसे कुछ साल पहले छोड़कर चली गई थी। अब वो अपने डॉग के साथ बिल्कुल अकेला रहता है और उसका घर भी उस सेंचुरी में ही है। इसके बाद हम देखते हैं उस टाउन की नई शेरिफ एलिस को, जो कि पुलिस इंचार्ज कार्ल के पास जाती है अपने भाई ब्रुक्स को छुड़ाने। ब्रुक्स को कार्ल ने एक फैक्ट्री में पकड़ा था, जहां सारे इल्लीगल काम होते थे, जैसे ड्रग्स, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा। अब क्योंकि वो दोनों ही लॉ ऑफिसर थे, इसलिए कार्ल उसके भाई को छोड़ देता है एक वार्निंग के साथ। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि एक ही जगह पर पुलिस और शेरिफ दोनों कैसे काम कर रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। जिस फैक्ट्री से ब्रुक्स को पकड़ा गया वो उस टाउन में नहीं आती, यानी कि वो एलिस के ज्यूरिडिक्शन से बाहर का एरिया है। वो एरिया पुलिस के अंडर आता है। जिन लोगों ने GTA 5 के लिए वो आराम से समझ गए होंगे। बाकी इंडियन एग्जाम्पल इसका पुलिस स्टेशन हैं, जैसे अलग अलग एरिया का केस अलग अलग पुलिस स्टेशन के पास जाता है, बिल्कुल वैसे। अब यहाँ आपको एक और बात बता दूं कि रेवन की एक्स वाइफ डेबी अब कार्ल की वाइफ है, यानी कि रेवन के पास पुलिस को हेट करने के 2 रीजंस हैं। एलिस ब्रुक्स को लेकर वापस जा रही थी और वो उससे पूछती है कि फैक्ट्री में क्या हुआ था। ब्रुक्स बताता है कि उसे सैम मूनब्लड ने मारा है। सैम मूनब्लड ही वो आदमी है जो कि उस फैक्ट्री में सारे 2 नंबर के काम करता है, यानी कि इल्लीगल वर्क्स। ब्रुक्स को उंगलियाँ चटकाने की गंदी आदत थी, जो कि एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो टाउन की तरफ जा रहे थे, तभी एलिस को एक क्राइम सीन की रिपोर्ट मिलती है। रिवर साइड पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी और उसके गले पर एक अजीब सा निशान था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके गले पर कट लगाकर उसे फिर से स्टिच किया है। वो उस एरिया को छानते हैं तो उन्हें एक एरो मिलता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि उस लड़की का शिकार किया जा रहा था। मीनवाइल रेवन की एक्स वाइफ डेबी उसके घर आती है और वो उसे कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है। वो पेपर्स ग्वेन के डेथ सर्टिफिकेट के लिए थे। उन्होंने अभी तक ग्वेन का फ्यूनरल नहीं किया था और डेबी उसका फ्यूनरल करना चाहती थी, क्योंकि वो दोबारा माँ बनने वाली थी और वो अपने पास से पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन रेवन उन पेपर्स को फाड़ देता है, क्योंकि उसके लिए ग्वेन अभी तक मरी नहीं थी। डेबी देखती है कि वो अभी भी एक अल्कोहलिक है और ये देखने के बाद तो उससे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बचता। वो उसके घर से चली जाती है। उधर शेरिफ देखती है कि उस एरो के अंदर MB का लोगो एम्बेडेड था। वो सीधा ब्रुक्स के पास जाती है और उसे दोबारा पूछती है कि फैक्ट्री में क्या हुआ था। ब्रुक्स उससे कहता है कि अगर उसने कुछ बहुत ही बुरा किया हो तो क्या वो उसकी मदद करेगी। ब्रुक्स उसे कुछ बताने वाला था, तभी कोई उनका दरवाज़ा नॉक करता है। वो रेवन था, जो कि न्यूज़ देखकर शेरिफ के पास आया था। जिस लड़की की डेड बॉडी मिली थी वो उसकी बेटी भी हो सकती थी, इसलिए शेरिफ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है वो डेड बॉडी दिखाने, और ब्रुक्स के साथ उसकी बात अधूरी ही रह जाती है। डॉक्टर बून उन्हें डेड बॉडी दिखाता है और उसे देखकर रेवन को कन्फर्म हो जाता है कि वो उसकी बेटी नहीं है। रेवन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शेरिफ डॉक्टर बून से उसके बारे में पूछती है कि वो ऐसा क्यों रहता है। डॉक्टर बून उसे रेवन का सारा पास्ट बताता है कि कैसे उसकी बेटी के गायब होने के बाद वो ऐसा हो गया। उसका भरोसा सबके ऊपर से उठ गया है। अगले दिन रेवन फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे ग्वेन का फ्यूनरल करना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसकी सेंचुरी में कोई हंटर घूम रहा था, जो कि उसके कैमरास तोड़ रहा था। वो जल्दी से उस जगह पर जाकर उस हंटर को ढूंढने लगता है। हंटर्स को वहां से बाहर निकालना उसका रोज का काम था, लेकिन ये हंटर उसे ही हंट करने लगता है। रेवन उसे देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने कैमोफ्लाज ड्रेस पहनी थी, यानी कि घिली सूट। एक एरो रेवन को लग जाता है, तब वो वहां से निकलना ही ठीक समझता है। वो जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन उसकी खटारा कार स्टार्ट नहीं होती। तब उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। पैदल चलते हुए वो देखता है कि वहां एक ट्रक खड़ा था, जो कि ऑब्वियसली उस हंटर का ही था।
उस ट्रक पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, इसलिए रेवन उस पर एक एक्स मार्क कर देता है ताकि बाद में कभी उसे यह ट्रक मिले तो वो उसे पहचान सके। वो किसी तरह अपने घर पहुंचता है और वो अपने वाउंड को खुद ही स्टिच करता है क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं था। इसके बाद वो कैमरास की फुटेज चेक करने लगता है ताकि उसे पता चल सके वो हंटर कहां से आया था, लेकिन वो देखता है कि वो हंटर अभी भी उस सेंचुरी में ही घूम रहा था और वो एक लड़की का शिकार कर रहा था। यह देखकर रेवन फिर से सेंचुरी में जाता है, लेकिन इस बार वो अपने साथ एक पेंट बॉक्स लेकर जाता है। वो किस लिए ये आपको भी पता चल जाएगा। वो उसी जगह पर पहुंचता है जो कि उसने कैमरा में देखी थी और तभी उसके ऊपर तीर बरसने लगते हैं। वो जल्दी से उस पेंट बॉक्स को हवा में उछालता है और शूट कर देता है। पेंट चारों तरफ फैलकर उस हंटर के ऊपर भी गिर जाता है, जिससे उसका सारा कवर टूट जाता है और वो जल्दी से वहां से भागने लगता है। रेवन उसे शूट करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो वहां से निकल जाता है। रेवन ऐसा करैक्टर है जिसकी हमें हॉरर मूवीज में सख्त जरूरत है। हंटर से छुटकारा पाने के बाद वो उस लड़की को ढूंढता है और वो उसे एक जगह बेहोश पड़ी मिलती है। हम देखते हैं कि उस लड़की के गले पर भी सेम वैसा ही निशान था जैसा कि उस लड़की की डेड बॉडी पर था। रेवन उसे उठाकर वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है जबकि वो खुद भी इंजर्ड था। उधर एलिस एक वेपन शॉप पर जाती है उस एरो के बारे में और ज्यादा जानने। उसे पता चलता है कि वो एक स्पेशल एरो है जो कि एंशिएंट टाइम में एटलर नाम के बो के साथ यूज किया जाता था, लेकिन अब वो नहीं बनते क्योंकि वो इलीगल हैं। एलिस को पता चलता है कि एक लोकल आदमी एटलर्स बनाता है जो कि है सैम मूनब्लड। अब उस एरो में एम्बेडेड एमबी का लोगो बहुत ज्यादा सेंस बना रहा था। शेरिफ उस फैक्ट्री पर जाती है जो कि मूनब्लड का ठिकाना था, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलता। वहां पैटी नाम की एक लड़की चोरी से एलिस को उसके घर का पता बता देती है। एलिस उस एड्रेस पर जाती है लेकिन वहां भी कोई नहीं था। इस मौके का फायदा उठाकर वो उस घर की तलाशी लेने लगती है और वहां उसे वो सारा सामान मिल जाता है जो कि एटलर बनाने में लगता था। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। वो वहां चेकिंग कर रही थी तभी वहां कोई आ जाता है। वो जल्दी से छुप जाती है और देखती है कि वो कार्ल था जो कि उसकी कार देखकर अंदर आया था। वो उसे बताता है कि एक और लड़की गायब हो चुकी है और उसकी मॉम को ब्रुक्स पर शक है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने अपनी बेटी को ब्रुक्स के साथ देखा था। आप क्लियरली देख सकते हो कि यह वही लड़की है जिसका अभी शिकार किया जा रहा था। उधर रेवन भी बुरी तरह थक चुका था और वो उस लड़की को और नहीं उठा सकता था, इसलिए वो अपने बनाए एक हंटिंग ट्रैप को खोलता है जिसे के वो हंटर भी यूज कर रहा था। सर्दी बहुत ज्यादा थी और वो दोनों उसके अंदर ही सर्दी से बच सकते थे। वो उस ट्रैप को खोल देता है लेकिन अचानक वो लड़की गायब हो जाती है। रेवन उसे आवाज लगाता है तभी वो उसके ऊपर हमला कर देती है। रेवन उसे समझाता है कि वो उसे बचाना चाहता है और उसे उसका यकीन करना चाहिए। वो दोनों स्ट्रैप में छुप जाते हैं और रेवन उस लड़की से कुछ सवाल पूछता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती थी। उसके गले पर लगा निशान हमें बता रहा था कि किसी ने उसके वोकल कॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि वो बोल ना पाए, और ये काम उस हंटर का ही होगा ताकि वो लड़की चिल्ला ना सके और वो आराम से उसे हंट कर पाए। यह मूवी का टाइटल भी जस्टिफाई होता है। रेवन उससे उसका नाम पूछता है और वो जमीन पर लिखकर उसे जवाब देती है। उसका नाम मॉली था और वो उस हंटर को नहीं जानती थी। रेवन उसे हौसला देता है कि वो उसे बचा लेगा। सुबह होते ही वो फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आराम करते वक्त रेवन मॉली को ग्वेन की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। मॉली उसे मना कर देती है लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। उधर एलिस सीधा ब्रुक्स के पास जाती है लेकिन वो उसे घर पर नहीं मिलता। एलिस को रिपोर्ट मिलती है कि रेवन ने दो लड़कों की राइफल छीन ली है जो कि उसने मूवी के स्टार्ट में छीनी थी। एलिस सीधा उसके घर की तरफ कार मोड़ लेती है। रेवन भी अपने घर पहुंच चुका था लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसका शक बिल्कुल सही था। वो हंटर उसी के घर में था और वो उस पर हमला कर देता है। रेवन फाइट बैक करता है लेकिन वो इंजर्ड था और बुरी तरह थका हुआ भी था, इसलिए वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। उससे छुटकारा पाने के बाद वो हंटर मॉली को एक स्पेयर से मार देता है। उसे मारने के बाद वो रेवन की तरफ बढ़ता है तभी एलिस वहां पहुंच जाती है। घर में घुसते उसे मॉली की बॉडी दिखती है और तभी सामने से रेवन अपनी शॉटगन लेकर आ जाता है। एलिस सोचती है कि रेवन ने ही मॉली को मारा है। रेवन उसे कहता है कि वो गलत सोच रही है। वो दोनों ही कंफ्यूज थे तभी वो हंटर वहां आ जाता है। एलिस उसे हथियार नीचे रखने के लिए कहती है तब वो हंटर अपनी उंगलियां चटकाता है और इससे एलिस को पता चल जाता है कि वो ब्रुक्स है। हर बार वो अपने भाई को बचा लेती थी लेकिन वो अब क्या करेगी। वो फिर से वही करती है, वो रेवन को शूट कर देती है। वो ब्रुक्स को घर जाने के लिए कहती है और इतने में रेवन किसी तरह वहां से भाग जाता है। एलिस उसका पीछा करती है क्योंकि वो उसे जाने नहीं दे सकती थी और उसका पीछा करते करते वो उसके लगाए बियर ट्रैप में फंस जाती है। रेवन उसकी कार के रेडियो से मॉली के लिए एम्बुलेंस बुलाता है और खुद वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अपने भाई को बचाने के लिए एलिस उसे फंसाना चाहती है। वो सीधा डेबी के घर जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था लेकिन वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे।
कार्ल उसे उसी फैक्ट्री पर ले जाता है और डॉक्टर बून को वहां बुलाकर वो उसे ट्रीट करवाते हैं। कार्ल ट्रेलर से बाहर निकलता है और उसे वहां ब्रुक्स दिखाई देता है। उसके पास यही मौका था उसे पकड़ने का। वो उसके पीछे भागता है और उसे देखकर ब्रुक्स भी भागने लगता है। काफी देर तक ये चेस चलता है, लेकिन आखिर में ब्रुक्स उस टेलर में घुस जाता है जिसमें रेवन का इलाज चल रहा था। वो डॉक्टर बून को पकड़कर उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन रेवन के अंदर अभी भी जान बाकी थी। वो उसका एक हाथ पकड़ लेता है जिससे डॉक्टर फ्री हो जाता है और कार्ल उसे अरेस्ट कर लेता है। ये न्यूज एलिस को मिलती है और इसे सुनकर वो पागल हो जाती है। वो सीधा उससे मिलने जाती है, लेकिन इस बार कार्ल उस पर कोई एहसान नहीं करता। वो उसे मिलने से साफ मना कर देता है, बल्कि वालिस को कहता है कि उसका भाई अब नहीं बचेगा क्योंकि उसने पुलिस से कुछ कन्फेस किया है। ब्रुक्स पुलिस को लेकर एक लोकेशन पर जाता है जहां उसने सैम मूनब्लड को कैद कर रखा था। अब यहां कार्ल को क्लियर हो जाता है कि जिसने भी मॉली और रेबन के ऊपर अटैक किया वो ब्रुक्स नहीं था, क्योंकि उस वक्त वो मूनब्लड के पास था। वो कोई और था जिसने एलिस को भी ट्रिक कर दिया और अब वो बहुत ज्यादा पछता रही थी क्योंकि अब उसकी नौकरी छिनने वाली थी। इधर डॉक्टर बून रेबन की जान बचा लेता है और मॉली भी हॉस्पिटल में जिंदा थी। अगले दिन कार्ल एलिस को बुलाता है क्योंकि उसे मूनब्लड से कुछ पूछताछ करनी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एलिस अभी भी शेरिफ की यूनिफॉर्म में क्यों है, क्योंकि रेबन ने अपना बयान बदल दिया। उसने कहा कि उसे गोली हंटर ने मारी थी और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ब्रुक्स हंटर नहीं है और हंटर ने एलिस को भी ट्रिक किया। एलिस मूनब्लड को वायरो दिखाती है जिस पर एमबी का लोगो था। मूनब्लड कहता है कि ये बहुत अच्छी तरह बनाया गया है, लेकिन ये मैंने नहीं बनाया। वो कहता है कि वो अपने एरो पर कुछ भी नहीं लिखता। अब यहाँ ये मामला और भी ज्यादा उलझ चुका था, क्योंकि जिन जिन पर शक था वो सब तो क्लियर निकल गए। इस इंसिडेंट के बाद रेवन को भी सीख मिली थी। अब वो शराब छोड़ रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि लाइफ कितनी प्रीशियस है। वो सारी बॉटल्स को खाली कर रहा था और एंड में सिर्फ एक ही बॉटल रह जाती है जिसे वो खाली नहीं करता, क्योंकि इस बॉटल में कुछ खास है। 5 साल पहले जब वो अपनी बेटी के साथ घर आ रहा था तो वो रास्ते में रुका था विस्की लेने के लिए, और जब वो विस्की लेकर बाहर आया तो कार में उसकी बेटी नहीं थी। वो अचानक गायब हो गई थी और इसके बाद आपको पता ही है कि वो आज तक नहीं मिल पाई। ये बॉटल उसे उसकी गलती की याद दिलाती रहती है। इस सब के बाद उसे शराब छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन वो उल्टा और ज्यादा पीने लगा और यही वजह है कि डेबी से छोड़कर चली गई थी। रेवन बार में जाता है अपना हिसाब क्लियर करने और तभी उसे वही ट्रक दिखाई देता है जिस पे उसने मार्क लगाया था। वो उसका पीछा करता है। जब वो ट्रक रुकता है तो वो पास जाकर चेक करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई मार्क नहीं था। वो निराश हो जाता है। तभी उसे फिर से वैसा ही एक और ट्रक दिखाई देता है, लेकिन अब की बार वो उसका पीछा नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता था। फिर भी वो खुद को समझाता है और ग्वेन के लिए उस ट्रक का पीछा करता है। वो ट्रक एक घर के बाहर रुक जाता है। रेवन पास जाकर चेक करता है और देखता है कि वो वही ट्रक था। वो बिल्कुल तैयार था ड्राइवर पर हमला करने के लिए, लेकिन उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकलता है। रेवन उसे पूछता है कि क्या उसका कोई बेटा है, और वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि वो अकेला रहता है। रेवन कहता है कि इस ट्रक के ड्राइवर ने एक दिन उसकी मदद की थी, इसलिए वो उसे थैंक्स बोलना चाहता है। वो आदमी कहता है कि ट्रक का मालिक वही है। रेबन फिर से निराश होकर जाने लगता है। तभी वो आदमी बताता है कि उसका पड़ोसी कभी कभी उसका ट्रक मांग लेता है और उसी ने उसकी मदद की होगी। ये सुनकर रेमन को फिर से उम्मीद दिखाई देती है। वो उसके पड़ोसी के घर जाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं था। तब वो लॉक तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर उसे ये तो कन्फर्म हो जाता है कि वो आदमी एक हंटर है। रेबन बेसमेंट में चेक करने जाता है और वहाँ उसे वाइट लाइट भी मिल जाता है। वहाँ पर सारी मिसिंग लड़कियों के पोस्टर भी थे, जिनमें ग्वेन का पोस्टर भी शामिल था। वो देखता है कि वहाँ एक ऑपरेशन थिएटर भी था जिसमें एक लड़की को बेहोश करके लेटा रखा था और उसके गले पर भी किसी तरह की सर्जरी की जा रही थी जिससे कि वो बोल ना पाए। अब आपको पता चल गया होगा कि उन लड़कियों के गले पर वो निशान कैसे आए। क्लियरली आदमी उन लड़कियों को किडनैप करके उन्हें साइलेंट करके उनका शिकार करता था। रेबन उस लड़की को फ्री करने लगता है, तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसे बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि वो आदमी डॉक्टर बून है। अब यहाँ फाइनली राज खुल गया कि डॉक्टर बून ही वो हंटर है। उधर एलिस हॉस्पिटल जाती है मॉली को चेक करने। वो डॉक्टर बून के रूम में जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स उसे डॉक्टर वहाँ नहीं मिलता। वो एक फोटो देखती है जिसमें डॉक्टर के साथ उसकी बेटी थी। नर्स उसे बताती है कि डॉक्टर की बेटी को एक ड्रंक ड्राइवर ने मार दिया था। उसकी बेटी का नाम था मेलिसा और फुल नेम मेलिसा बून, यानी कि MB, वही लोगो जो उस एरो पर था। एलिस भी सब समझ जाती है और वो सीधा डॉक्टर के घर पहुंचती है, लेकिन डॉक्टर वहां नहीं था क्योंकि वो रेवन को सेंचुरी में लेकर जा रहा था उसका शिकार करने के लिए। डॉक्टर तो उसे घर पर नहीं मिलता, लेकिन वहां इतने सबूत मौजूद थे कि उसे सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो रेवन के घर जाती है उसे बताने के उसकी बेटी का किलर मिल चुका है, लेकिन रेवन तो घर पर नहीं था। एलिस उसके कैमरास की फुटेज देखती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर बून रेवन का शिकार कर रहा है। वो जल्दी से उसे बचाने के लिए निकल जाती है, लेकिन क्या सच में रेवन शिकार था, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छे से सेंचुरी को कोई नहीं जानता।
उसे हर एक लोकेशन पता थी और इसी का फायदा उठाकर वो डॉक्टर को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो एक हंटिंग ट्रैप पर जाकर उसे खोल देता है और अचानक से डॉक्टर पर हमला कर देता है। डॉक्टर कुछ भी समझ पाता इससे पहले वो उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। उसे जान से मारने से पहले रेबन उसे पूछता है कि उसने ग्वेन को क्यों मारा। डॉक्टर कहता है कि वो एक अच्छा फादर था जबकि रेबन एक ड्रंक था और उसके साथ रहकर उसकी बेटी भी ऐसी ही बन जाती, इसीलिए उसने उसे मार दिया। वही सेम साइको फिलॉसफी। डॉक्टर कहता है कि वो सिर्फ उन्हीं को मारता है जिन्हें कोई मिस नहीं करेगा। वेल, यहाँ साबित हो जाता है कि उसके साइको विचार बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि 5 साल बाद भी रेवन अपनी बेटी को मिस करता है। और मैं सोचता हूँ कि ये लोग कहाँ से आते हैं जो कि खुद ही सब कुछ जज कर लेते हैं। उसकी बातें सुनकर रेवन को पता चल जाता है कि वो पुलिस को देने लायक नहीं है। वो उसे ट्रैप में फेंकने लगता है, तभी एलिस वहाँ आ जाती है। वो रेवन को कहती है कि उसे पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। राइट। रेवन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसे नीचे फेंक देता है, जिससे उसका खेल खत्म हो जाता है। एलिस भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि अभी जो वो शेरिफ है वो सिर्फ रेवन की वजह से। अगर वो अपना बयान नहीं बदलता तो वो अभी तक शेरिफ ना होती। यहाँ उन दोनों का हिसाब बराबर हो जाता है। रेवन पूरे टाउन से ग्वेन के मिसिंग पोस्टर हटा देता है और बिल्कुल अच्छे से वो उसका फ्यूनरल करते हैं, जिसमें मॉली भी शामिल होती है। अब फाइनली रेवन मूव ऑन करता है। वो उस विस्की की बॉटल को पानी में बहा देता है, यानी कि वो अपने पास से पीछा छुड़ा लेता है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड तक हम क्लूलेस ही रहते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों पर हम शक करते हैं वो एक एक करके बेगुनाह साबित होते रहते हैं। क्लियरली इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कुछ भी इसमें ओवर नहीं किया गया, कोई भी एक्स्ट्रा ट्विस्ट या प्लॉट इसमें नहीं है, जो कि मोस्टली थ्रिलर्स में होता है हमें कन्फ्यूज करने के लिए। जैसे जब रेवन ने मॉली को ग्वेन का पोस्टर दिखाया था तो उसने मना कर दिया था कि उसने ग्वेन को नहीं देखा, जबकि उसे कुछ तो पता था। अब ये पूरा सीन सिर्फ हमें कन्फ्यूज करने के लिए हो सकता था, लेकिन इसका हमें रीजन दिखाया गया। मॉली ने ग्वेन का वो पोस्टर पहले भी देखा था डॉक्टर बून के घर में, जहाँ डॉक्टर ने उसके गले की सर्जरी की होगी। ऐसे मॉली ग्वेन को जानती थी, लेकिन उसने रेवन को नहीं बताया क्योंकि उसे खुद भी मदद चाहिए थी। उसे पहले सेफली अपने घर पहुंचना था, इसके बाद शायद वो उसे बता देती। और एक चीज इसमें पूरी तरह बेबुनियाद जा सकती थी, वो ये कि डॉक्टर को कैसे पता कि ब्रूस को उंगली चटकाने की आदत है। ये तो सिर्फ उसकी बहन को ही पता था। नहीं, कार्ल से ब्रूस को लेने के बाद एलिस ने उसे सीधा हॉस्पिटल भेजा, क्योंकि मूनब्लड ने उसकी पिटाई की थी और इसी बीच डॉक्टर ने ब्रूस की आदत नोटिस कर ली। तो ये सीन भी 100% सेंस बनाता है। कहने का मतलब ये है कि मूवी में हमें गुमराह करने की कोशिश नहीं की गई, हम स्टार्ट से एंड तक बिल्कुल सीधी स्टोरी में थे। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। कमेंट में ये बताना कि आपको किस पर शक था और क्या हमें हॉरर मूवीज में रेवन जैसे आदमी की जरूरत है। और ऐसे यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर लो, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके अगर यूट्यूब पहुंचाने का कष्ट करे तो। और लेटेस्ट मूवी न्यूज और फैक्ट जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।